सागर, अभी काला काला क्या चिपका दिया होठों पे? सूजन कैसी आ गई? ये सूजन वूजन कुछ नहीं है, ये कल गए थे लड़की से मिलने, उनके घर वालों ने इनको हॉक दिया। भैया खाना क्या बना लूं? जो तेरा मन करे। ठीक है बहन, यार बहुत तेज भूख लग रही है, जा खाना ले आओ। भैया आपने बोला था ना जो तेरा मन करे, आज मेरा मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का तो मैंने नहीं बनाया। भूखा मर जाऊंगा। यार तुम लड़कियां ना मैथ्स में बहुत कमजोर होती हो। अबे चल ना। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे। कुछ 2-2 कितना होता है? समझ नहीं आया कुछ। मान ले तेरे पास 2 रोटी हैं और तूने वो 2 रोटी खा ली, तो तेरे पास क्या बचा? सब्जी। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? अब वही तो आज तक हम समझ नहीं पाए कि ऐसा आप में क्या देख लिए जो लबलबा के आपसे शादी कर लिए। जोर का झटका है जोरों से लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। बेबी कल तुम मम्मी से मिलने आए थे ना? हाँ। मम्मी को तुम बहुत पसंद आए। यार देखो शादी मैं तुमसे ही करूंगा, अपनी मम्मी को बोलो मुझे भूल जाए। ए फगुनिया, तो हमारी जान है रे जान, तुमको इतना चाहते हैं कितना चाहते हैं का बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। भैया कल मोहल्ले वालों ने रात में चुड़ैल देखी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है रात में बाहर मत निकला कर, अब डर गए ना मोहल्ले वाले। कहो। बोली ना। माई का कहतिया का कराही में सब्जी, कराही में दाल आ कराही में चावल बना बतारू। हाँ। कहे आई 3-3 वो बर्तन में तो हर बाबू मलिहान। एक बात बताइए मैडम, आप अपनी शादी से खुश हैं? हाँ जी बहुत। और आप? जिसने रिश्ता कराया मर जाए वो कमीना, कमीना। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। बाप रे आज तो बारा शांति फैलल बा घर में रे। हाँ हम उस सवेरे से ये सोच के परेशान बनी, चलो जल्दी से झगड़ा शुरू कर जाओ। सुन लो तुम सब, मेरे भाई की बराबरी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मेरा भाई ठंड में नहाता ही नहीं है। अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें ही रहती है बस मुझसे प्रॉब्लम, तुम्हारा एक दोस्त है वो आज भी मेरी तारीफ करता है। अरे वो गफूर भाई होंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे उसकी कबाड़ी की दुकान है, उसको पहचान है कबाड़ की। तुम सबर कर भी आधे हो, और देख मैं उजड़ कर भी खूबसूरत हूँ। भले हमने के अरेंज मैरिज होता तो का हो, और शादी के बाद के सारा फ्यूचर के प्लानिंग हम कर ले बानी। उतना ते प्लानिंग मत कर, साल भर के अंदर तोरा पर 20-30 लाख के इंश्योरेंस करा के जोहर खिया दे। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो? तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो बेटा, अब तो तेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले। अरे मम्मी शादी तो मैं भी कर लूँ, लेकिन घर का काम करने वाला सुंदर सुशील और संस्कारी लड़का तो मिले। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी होती है। वो कैसे? खूबसूरत तो है लेकिन आतंक बहुत है। दोस्तों जिंदगी में किसी से नहीं डरिए, चाहे कोई भी हो। Hey!
सकते हैं। एक मिनट, एक तरीका है। अगर हम विक्रम के घर जाते हैं जहाँ मुन्नी जल के मरी, वहाँ पर मुन्नी जल के मर चुकी है और विक्रम थिएटर में मर चुका है, तो वहाँ पर जाकर करेंगे क्या दोनों का श्राद्ध? देख, मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा है, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा ना वो है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। जापान देखा है? नहीं। तो मतलब जापान नहीं है, है ना? मैंने जापान की तारीफ सुनी है। के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। हाँ। पहला रास्ता ये कि हम लोग विक्रम के घर जाते हैं। ओके, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ही नहीं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख। अरे भाई, ये खटारे में ऐसी क्या बात भाई है? इस गाड़ी का 23 बार एक्सीडेंट हुआ है, हर बार बीवी मरी है। इसकी माँ का 1 करोड़। बचपन में अम्मी ने ऐसी नजर उतारी थी कि आज तक किसी लड़की की नजर नहीं पड़ी मुझ पर। भाई सिंगल है? नहीं, मेरे अंदर 4-5 आत्माओं का साया है।